खबर ये है कि इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि बीआरआई से वो अलग हो गए हैं, बीआरआई उन्होंने छोड़ दिया है। और इस सिलसिले में उनका कहना यह है इटली की तरफ से कि उनको इसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनको इसका नुकसान ही हुआ है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ खड़े दिख रहे इटली ने चीन से हाथ छुड़ा लिया है। इटली ने खुद को चीन की बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग कर लिया है, जिसकी आधिकारिक तौर पर चीन की सरकार को जानकारी भी पहुंचा दी गई है। बीआरआई की अगर बात करें, जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से अभी यह खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में यह मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम बीआरआई का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाक्या हुआ और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाजगश सुनी। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ज्यादा मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी कोई हालात ठीक नहीं है। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने भी इसी लेवल का, इसी मतलब इसी तरह का एक जो इसके मुकाबले में प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि यूरोप तक जाएगा, ठीक हो गया। क्या ऐसा आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सीपैक या बीआरआई से पहले तो उनका वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और वो जो है वो पाया तकमील तक पहुंचेगा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो बीआरआई को छोड़ने का फैसला है, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो अपना एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करने जा रहा है। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसमें इंडिया जो है, मैं समझता हूँ कि वो दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द रीजन, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक इम्पैक्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो वो नहीं समझते कि उनको किसी किस्म का इससे फायदा है, और जो नेशंस बीआरआई में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी इससे कोई खास बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। इंडिया चाहता है कि इंडिया अपनी जिस तरह सऊदी अरब मुसलमान ममालिक को पैकेज करके पेश करता है वेस्ट के आगे, इसी तरह इंडिया भी तमाम रीजनल ममालिक को पैकेज करके वेस्ट के आगे पेश कर। ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाक्या हुआ और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाजगश सुनी कि हर तरफ ये चर्चा था कि जनाब वो जो सेल्फी उतारी गई है और मेलोनी ने जो उसको सोशल मीडिया पर फिर उसके बाद पोस्ट किया, तो उससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। कि जो इटली की पीएम है वो ये कह रही हैं कि मुझे एक दोस्त मिल गया, और COP28 की कॉन्फ्रेंस में वो दोनों हर जगह पर, मोदी साहब और मेलोनी साहिबा, हर जगह पर वो एक साथ आई की अगर बात ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, इटली की तरफ से अभी ये खबर आई है कि जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की है, दुबई में ये मुलाकात हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने ऑफिशियली ये बोल दिया कि हम बीआरआई का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या एग्जिट कर दिया, क्या समझते हैं कि ये इंडिया और इटली का एक नया ज्वाइंट है जो कि चाइना के को जो है डिप्लोमेटिकली उनको एक जवाब दिया, बैठे हुए बातचीत करते हुए हंसी मजाक करते हुए खूब कहकहे लगाते हुए नजर आए। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो बीआरआई को छोड़ने का फैसला है, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है और वो ये समझता है कि अगर बीआरआई जो है वो चाइना का है और चाइना जो है वो इंडिया का राइवल है, और फिर उसको क्या जरूरत है इंडिया के एक ऐसे कंट्री के साथ शामिल होने की जिसके इंडिया के साथ जो है वो नहीं बनती। तो उन्होंने एक तो सॉलिडारिटी में भी कहा जा सकता है, दूसरे ये कहा जा सकता है कि
ये बात भी की जा रही है। देखिए कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है जनाब, ये जो है इंडिया की तरफ से उनको कहा गया कि पायन क्यों तुसी एदे विच पढ़ रहे हो, मतलब ये कि मैं समझती हूँ कि कहने या ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो ये समझती हैं कि वो इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे तो ऐसे ही महसूस होता है, तो फिर उसमें वो एक अच्छी मूव है। उन्होंने कहा होगा कि हमें जब इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा तो बीआरआई को छोड़ने का क्या जरूरत है, हम छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है जो पैक्ट है उसने कोई फायदा किसी भी कंट्री को नहीं पहुंचाया है। और फिर इसमें बाकायदा जो है उनकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि हम बीआरआई से जो है वो निकल रहे हैं। और उसमें ये जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, ये क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन पहले हुई है, और दिलचस्प बात यह है कि 2 से 3 दिन पहले ही मोदी साहब और मेलोनी साहिबा की वो सेल्फी जो है वो वायरल हो रही थी, जिसको मेलोडी कहा जा रहा था, और बड़ी उसके पर आपको पता है मीम्स भी बनी, बड़ी बातें भी हुई, तो बहुत कुछ कहा गया। चलें वो तो खैर, एक आपको पता ही ऐसा कुछ निकलता है तो बात निकली कि तो दूर तक जाएगी, तो मजाक का उसमें कर दिया जाता है, मजाक में भी बातें की जाती है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर सच है कि इस वक्त बड़े ही जबरदस्त तरीके से ताल्लुकात हैं इंडिया और इटली के। और डील ए बिग मिस्टेक, मेलोनी जो है उन्होंने ये कहा कि जो ये डील उन्होंने इटली ने की थी तो ये बिग मिस्टेक थी, और वो नहीं समझती कि ये करनी चाहिए थी। और उन्होंने जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है इटली के, उन्होंने भी इसको अपोज किया इस डील को। तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। क्या ये चाइना के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बीआरआई में मौजूद है अभी तक। तो देखिए, बहरहाल इटली का निकलना जो है वो चाइना को पसंद तो नहीं आएगा, और वो इसको खास तौर पर ऐसे उसमें पसंद नहीं करेंगे कि जिस वक्त मेलोडी की बात की जा रही है, मोदी मेलोनी मैडुक मेलोडी मैजिक की बात की जा रही है कि जनाब ये तो जो है वो छा गए हैं दोनों। और जाहिर है प्रेसिडेंट शी भी देख ही रहे होंगे, जो सेल्फी उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने कहा होगा लेके बह गए साड़ी मेलोनी नो, तो फिर मेलोनी साहबा जो उन्होंने कहा कि पैन असी जा रहे हैं, तो बस ये हुआ है जनाब। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जा रहा है ये राह की साजिश है, नहीं ये नरेंद्र मोदी साहब की साजिश है कि ये जो हुआ है और मेलोनी ने जो ये छोड़ा है, तो ये जो है इस वजह से हुआ है कि दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस बहुत बड़े हैं और इटली चाहता है कि रिलेशंस। 3 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ, और उसके बाद इटली ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम चाइना का हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है बीआरआई उसे ऑफिशियली एग्जिट करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि चाइना को इससे कितना बड़ा धचका लगेगा, और इंडिया का जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर होता नजर आ रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, इसके ऊपर कितना फायदा होगा इंडिया को। ठीक है, अब ना इंडिया चाहता है कि चाइना स्ट्रांग हो, ना यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं, इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं चाहता। क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स का जो सिर्फ एक आप कह लें हरीफ है, डायरेक्ट हरीफ है, वो सिर्फ चाइना है, और कोई बंदा उसको आंखें दिखा नहीं सकता। ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि यूएस नहीं चाहता या यूरोप नहीं चाहता कि चाइना स्ट्रांग हो, लेकिन जो पहली बात आपने की है कि यूरोप नहीं चाहता कि भाई एशिया से कोई कंट्री तरीके से उठे, आपने बोला ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये एशिया की से यूरोप की वजह से डाउन जा रहा है। अभी इंडिया ने भी इसी लेवल का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो यूरोप के साथ मिलके किया, शायद आपको खबर हो, जो कि यूएई सऊदीया भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो फिर क्या ये डिप्लोमेसी के अंदर नहीं आ जाता कि भाई इंडिया के रिलेशन तो सबके साथ बेहतर हो रहे हैं, चाइना के रिलेशन अब उस तरीके से बेहतर नहीं रह पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे? देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब भी कोई बंदा स्ट्रांग, कोई मुल्क स्ट्रांग, कोई इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है, अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना, किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर, ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है।